अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों क्या हाल है, आप लोग ठीक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज क्लास 10 का मुताला पाकिस्तान का जो लेक्चर है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, यानी कि 1977 से 1988 तक 1977 to 1988 के दौरान नफाज़े इस्लाम के लिए की गई कोशिशों का जायज़ा लें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और बोर्ड में भी बारहा मरतबा 2-3 बार आ चुका है। सो इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा ताकि आपको पता चले, अच्छे तरीके से समझना कि ये क्या सवाल है। ठीक है, अब ये देखिए ज़रा कि आपकी किताब का सफ़र नंबर 11 है, जनरल जावाहर का दौर। अगर हम जनरल जावाहर के दौर की बात करें तो 1977 से 1988 तक जो इसका दौरानिया है, जो जनरल जावाहर का, ठीक है, तो ये इसका दौरानिया बनता है 1977 से 1988 तक। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जनरल जावाहर की हुकूमत में आया कैसे। अब आपको पता है कि पिछले सवाल में जब हम 1973 का ही पढ़ा था कि मुल्क में जो आम इंतखाबात हुए थे 1970 में, ठीक है, उसमें जो जो पार्टी ऊपर की आई थी वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, PPPP, चार मरतबा पी आता है, पाकिस्तान एक, पी दूसरा पीपल्स, फिर आगे पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो MPA MLA इलेक्टेड होते हैं। तो फिर जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो जब हुकूमत में आया तो फिर जो है वो जुल्फिकार जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने हुकूमत की और तकरीबन 6 साल जो है वो 1970 से 1977 तक जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने हुकूमत की। अब जब आपको पता है कि 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो 1970 के बाद जब दोबारा इलेक्शन हुए 1977 में 1977 में, तो इसमें जो है वो दूसरी जमातों को फिक्र थी कि जो है वो जाहिर है कि जुल्फिकार अली भुट्टो दोबारा इख्तदार में आ जाए, तो उन्होंने जो है वो पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए 10 जमाती इतिहाद बनाया। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक, 10 जमाती इतिहाद बनाया जिसका नाम रखा पाकिस्तान कौमी इतिहाद। ठीक है, ये इतिहाद रखा, और इस जो जो इतिहाद था उसके सरबराह बने थे मौलाना मुफ्ती महमूद, जो आपको पता है कि अब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान, ठीक है, जिनकी जमीयत उलमा इस्लाम है, ये बाप हैं फजलुर रहमान के बाप, जो अब मौलाना मौजूदा फजलुर रहमान है, आप बड़े से दाढ़ी वाले आपको पता होगा, मौलाना फजलुर, ये मौलाना मुफ्ती महमूद जो है ये फजलुर रहमान के बाप थे जो उसके सरबराह बने थे। अब जो है ये डिसाइड ही हुआ कि कौमी असेंबली के जो इंतखाबात है वो 7 मार्च 1977 को जो है वो होंगे, ठीक है, तो और सूबाई असेंबली में इंतखाबात जो है वो 10 मार्च जो है वो 1977 को होंगे। ठीक है, तो लेकिन हुआ ये कि जो इंतखाबात थे, ठीक है, इसमें इंतखाबात हो गए, ठीक है, और जो पीपल्स पार्टी थी जुल्फिकार अली भुट्टो की जमात थी, उन्होंने जो है वो इस इंतखाबात में फिर जो है वो इलेक्शन जीत लिया और फिर वो बरसर इक्तदार आ गए जुल्फिकार अली भुट्टो। अब जो है वो दूसरी जमातों ने जो है वो धांधली का इल्जाम लगा दिया, और धांधली का इल्जाम लगा के जो है वो ये 10 जमाती तबादले हैं और इनके खिलाफ जो है वो तहरीक चलाना शुरू कर दी। अब जब तहरीक चलना शुरू हुई तो तहरीक जो है वो कामयाब होकर चली गई, लाहौर की सड़कों पर जो है वो एहतजाज हुआ, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो है वो जनरल जावाहर उस वक्त फौज के सरबराह थे, उन्होंने कहा कि इसको रोको जो है वो, तो लेकिन ऐसा ना हुआ। तो जब ये एहतजाज कर रहे थे लाहौर की सड़कों पर, ठीक है, तो ये ऐसे लाइन लगा रहे थे आने वाले कि अब जो है वो इससे आगे आए तो हम शूट कर देंगे, वो जो शुका थे मुजाहिरीन थे वो फिर आगे आ जाते थे, ऐसे फिर आगे लाइन लगाते थे वो फिर आगे आ जाते थे। जब जब तीसरी बार रेड लाइन क्रॉस की, ठीक है, तो फिर जो है वो फौज ने जो है वो अपने हथियार हाथ खड़े कर दिए कि हम अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे, और उस वक्त जो जनरल जावाहर था वो ये सारे मामला देख रहा था, उसने जो है वो फिर 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगा दिया। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है, गैर कानूनी तौर पर
मुंतखब हकूमत को खत्म करना, यानी कि जब फौजी हुक्मरान जो होता है मार्शल आर्ट जिसको हम अमर कहते हैं, अलमदे वाला अमर जो है वो ठीक है, वो नहीं आएगा, दूसरा आएगा जो है वो अलमदे वाला आएगा, आइन वाला नहीं आएगा। तो अमर जिसको हम डिक्टेटर कहते हैं, अमरियत होगी तो उसको डिक्टेटरशिप कहेंगे। जब कोई फौजी हुक्मरान मुंतखब हुकूमत को जो आम के वोटों से मुंतखब की गई हो उसको गैर कानूनी तौर पर टॉपल कर दे, उसका तख्ता उड़ दे, हम उसको मार्शल आर्ट कहते हैं। अब जो ज़ियाकत दौर था वो तकरीबन जो है वो 1977 से 1988 का जो है वो दौरानिया बनता है, और इसका जो दौरानिया था वो तकरीबन 11 साल बनता है। ठीक है, अब जो है उसका पहला पॉइंट है जो जियाउल हक जब हुकूमत में आए तो ये याद रखें कि जो जियाउल हक थे ठीक है, तो इनको जो है वो इस्लामाइजेशन के बारे में जो है वो कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा जो है वो इस्लाम का नफाज हुआ वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। खैर आया तो था जो है वो गैर कानूनी तौर पर, लेकिन जो है वो अच्छे काम के इस्लाम को नाफिज करने के लिए, इसने जो आते ही जो है वो शरी अदालतों का क्या जो है अमल में लेकर आया। शरी किसे कहते हैं? इस्लामी, ठीक है, इस्लामी अदालतों का इसने काम किया। अब आपको पता है कि डायरेक्ट जो है वो नई अदालतें नहीं बन जाती, आपको पता है कि हमारे मुल्क में चार किस्म की कोर्ट होती है। एक होती है लोअर कोर्ट जिसको हम जो है वो सिविल कोर्ट कहते हैं, फिर सेशन कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट होती है। ये चार किस्म की अदालतें होती हैं। तो इसने जो है वो अदालतें कायम भी थी की, लेकिन हुआ ये था इसने जो है वो क्या कहते हैं जो ज़ियाउल हक था इसने किया ये था कि जो तमाम हाई कोर्ट्स थी ना, जो पहले से जो अदालतें थी उनमें शरीयत बेंच बना दिए। शरीयत बेंच से मुराद ये नहीं होता कि जो बेंचेस आपके आगे पड़े हुए हैं ये वाले बेंच नहीं होता, बेंचेस ये होता है कि मुकदमों की समाप्त के लिए जो है वो जजेस के ग्रुप बना दिए। अब देखे ना कि एक एग्जाम्पल देता हूँ बेंच क्या होता है। अब आप जो है वो एक जज के पास चोरी का केस आ जाता है ठीक है, या जो है वो डकैती का आ जाता है, किसी कत्ल का आ जाता है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है ना ठीक है, वो क्या करता है दो जजों पर मुश्तमल ग्रुप बना देता है ठीक है, कि ये दो जज जो है वो इस केस का फैसला करेंगे। तो इसमें जो है वो उलमा को बतौर जज भर्ती कर दिया गया, जो पहले पहले जज थे वो थे ही, लेकिन उलमा भर्ती करके उनको जज का दर्जा दे दिया और शरीयत बेंच बना दिया कि जजेस के ग्रुप बना दिए कि ये इस्लाम के मुताबिक हम करेंगे। और 10 फरवरी 1979 में जो है वो इसका क्या अमल में आया था ठीक है। अब जो है वो फिर जो है वो पहले बेंच बनाए, फिर 1980 में जो है वो एक ऑर्डिनेंस दिया जो है वो ऑर्डिनेंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपके दूसरे पॉइंट में ठीक है। 1980 में आया शरीयत अदालतों का क्या अमल में आया, 1979 में जो है वो बेंच बनाए, फिर जो है वो 1980 में अदालतें बना दी। अब दूसरा आता है शरी हदूद का अल्फाज, हदूद हद की जमा होती है ठीक है, हद की जमा ठीक है। तो इसने जो है वो आते ही शरी हदूद जो इस्लामी होता है, यानी कि हद हदूद की जमा होती है, यानी कि हद क्या है अल्लाह की कायम करदा हदूद, यानी कि 1979 में शरी हदूद का ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस कहते हैं हुक्मनामा ठीक है, जो हंगामी हालात में सदर जारी करता है ठीक है, और इसकी मुद्दत होती है 120 दिन। अगर असेंबली इसको जो है वो एक्सटेंड कर दे तो ठीक है, वरना ये खत्म हो जाता है खुद ब खुद ठीक है। ये इसका क्या था ठीक है, ये आपको मैं अभी बताता हूं। शरीयत का ऑर्डिनेंस कर दिया, यानी कि शराब, जुना, चोरी ठीक है, यानी कि ये जो अब जो शराब पिएगा उसको जो है वो शरी इस्लाम के मुताबिक जो है वो हद दी जाएगी, जो जुना करता है उसको जो है वो शरीयत के मुताबिक सजा दी जाएगी, जो चोरी करता है उसको जो है उसके हाथ काटे जाएंगे। सॉरी, आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे याद में पिछले एक कबीला बनी मंसूम की औरत ने चोरी की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके हाथ काट दें, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा
तो बाकी पॉइंट जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।